खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर कार लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि तीसरे बदमाश के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी हुई कार को और अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों का पुराना जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। देखिए 26/27 की रात को फरीदाबाद से एक गाड़ी को चार लोगों ने हायर किया, किराए पे लेकर के आए, सिकंदराबाद जाने की बात कहकर चले। वहाँ से यहाँ पे दनकौर क्षेत्र में आकर के गाड़ी मालिक को, जो ड्राइवर था, उसको ओवर पावर किया। ओवर पावर करने के बाद गाड़ी को इन लोगों ने लूट लिया। गाड़ी मालिक चालक के द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिस पर हमारी टीम ने काम किया। काम करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आज मिली कि आज ये गाड़ी इस क्षेत्र में घूम रही है और यहाँ पर